खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला न्यू शिवपुरी कॉलोनी में चार अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर लूट का प्रयास में असफल होने पर यूपी पुलिस के स्वर्गीय हेड कांस्टेबल बरवीर सिंह की पत्नी को किया गंभीर रूप से घायल। गंभीर अवस्था में घायल महिला को ग्रेटर नोएडा कैलाश हॉस्पिटल के लिए रेफर किया। खुर्जा में दिन दहाड़े घर में हुई लूट के मामले पर मौके पर पहुंची पुलिस, लेकिन कोई भी पुलिस का अधिकारी अभी इस मामले में वाइट देने को तैयार नहीं है। आगे पीछे की बात करते हैं, अभी हम बाहर हैं, अभी हम जांच कर रहे हैं, उसके बाद मीडिया से बात करेंगे। वहीं लूट का विरोध करने पर घायल हुई महिला ग्रेटर नोएडा कैलाश हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी से जंग लड़ रही है। गंभीर अवस्था में घायल महिला एडवोकेट पवन की जहाँ माता श्री है, वहीं झांसी पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार की माता है। खुर्जा में दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ये क्या मामला है, कितने बजे की घटना है? ये 3:30 के करीब का वाक्या है। शोर मचाया है तो कॉलोनी वाले सब बाहर आए हैं, बाहर चल पाए हैं। तो इसमें कुछ सामान भी गया? हाँ, ये काफी मतलब इनसे जबरदस्ती सामान वामान उतरवाया था जैसे बता रही है बहू, और आंटी से भी प्रेशराइज किया था कि मतलब सब सामान उतारो, लेकिन उन्होंने नहीं उतारा तो उन पर फिर हमला किया है जैसा बहू ने बताया है। फिर कितने लोग थे? ये 2 से 4 लोग बता रहे हैं। अभी उन्हें रेफर किया है कहाँ? रेफर कैलाश हॉस्पिटल के लिए कर दिया है, नोएडा के लिए। यहाँ से 108 पे फ़ोन किया था तो तत्काल 5 मिनट में आ गई थी एम्बुलेंस, लेकिन उससे पहले हम लोग अपनी गाड़ी से ही ले गए थे कैलाश हॉस्पिटल खुर्जा के लिए। वहाँ पर उन्होंने फर्स्ट एड दिया है, उसके बाद वहीं से उनकी एम्बुलेंस में नोएडा कैलाश के लिए रेफर कर दिया। क्या नाम है इनका? सत्यवती देवी नाम है इनका, और विडो हैं ये। इनके हस्बैंड थे वो पुलिस में थे, अभी उनके एक्सपायर हो गए थे, 3-1 साल हो गए, 10 हो गए। जिनके चोट लगी है उनका क्या नाम है? सत्यवती देवी। इनके चोट कहाँ लगी है? उनको पूरा हेड इंजरी किया है जबरदस्त तरीके से, काफ़ी ब्लड भी। गाय से मारा है? अब ये तो नहीं पता चल सकता कि किससे मारा है, लेकिन ये काफ़ी मतलब या तो कोई ब्लंट हो, किसी प्रकार का वेपन हो या कुछ हो, तो उससे पता चलेगा जब इन्वेस्टिगेशन होगी। अब FIR की है इसकी अभी? हाँ, FIR के अभी उनके लड़के वगैरह आते हैं तब तो FIR करें। वैसे 100 नंबर पर कंप्लेंट कर दी थी, तुरंत पुलिस भी आ गई थी, उन्होंने सारा रिकॉर्ड किया है पूरा। पुलिस प्रशासन ने काफ़ी मदद की है, सारा इन्वेस्टिगेशन किया है, वो लोग भी अपने उसमें लगे हुए हैं। पार्ट भी हुई है इसमें, ऐसे 65+ का एजड वुमन है सत्यवती। कल शाम को ऐसे 4 बजे मतलब वो पूरी ओपन करके वो 2 लोग का अंदर अलाउ कर दिया। मैं अभी देखा, अंदर से बिना मदद कोई अंदर ना जा सकता, ऐसे वो कमरा है, वो खुद ही ओपन कर दिया। उनका परिचय लोग ही होगा, अंदर बैठने के बाद पानी दे दिया उनका, ऐसे बहू का बताया, उनका पैर छूने के लिए बताया। उसके बाद अभी बहू से मैं बात कर दिया, ये ऐसे ही नहीं कि वो आने के समय उनका मुंह बंद नहीं है, फिर मुंह बंद करके माता जी का कर दिया, मुझे भी कर दिया, ऐसे बहू का बात ये आ रहे हैं। हम अभी सभी एंगल में चेक कर रहा है इसका, मैं खुद ही नोएडा जा रहा हूँ, उधर जा करके डॉक्टर से ही बात करूँगा। इनका मतलब एडवोकेट साहब से अभी से बात नहीं हो गई, उनसे ही बात करूँगा। ऐसे मुझे लगता है 24 घंटे के अंदर इस केस का हम ओपन करेंगे, सभी एंगल में हम देखें। क्या कोई लूटपाट भी हुई है सर? अभी तक क्लियर नहीं है ये, मतलब वो महिला का 2 बैंगल मिसिंग है ये बोल रहा है, अभी तक लिखित में कंप्लेंट नहीं है, कंप्लेंट दे देंगे वो क्लियर होगा। इनका ये बात है, एडवोकेट साहब आएंगे पूरी चेक करके फिर बोलेंगे क्या क्या मिस हो रहा है, वो बोलेंगे। अभी तक कोई क्लियर नहीं बताया क्या क्या मिस हो गई, कोई क्लियर नहीं है, एडवोकेट साहब आ करके पूरा चेक करके फिर बताएंगे।